क्या आप एक बिजनेसमैन हो या कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन वो बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही है, क्यों दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक यूनिक मैटर यूट्यूब के अंडर एस्ट्रोलॉजी विषय के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया में मैं ये मैटर आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा विषय है बिजनेस। लोग बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपने जो बच्चे लोग हैं उनको आगे का भविष्य के हिसाब से वो कौन सा बिजनेस करेगा, वो लोग कुंडली लेके एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं और उनके हिसाब से उनका टॉपिक या उनका विषय चूज करते हैं, लेकिन आप देखते हो कई सारे लोग वहाँ पर फेल हो जाते हैं, क्यों दोस्तों ऐसा क्यों होता है? आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो बोलेगा CA बनेगा, दूसरा बोलेगा डॉक्टर और तीसरा बोलेगा इंजीनियर, तीनों के जवाब एक ही बच्चे की कुंडली में अलग अलग मिलेंगे, क्यों दोस्तों? क्योंकि उनको सही मेथड का उनको मालूम नहीं। मैं आज आपके सामने एक सही मेथड लेके आऊँगा जिसके ऊपर पूरी एस्ट्रोलॉजी, पूरा यूनिवर्स, पूरी अर्थ टिकी हुई है दोस्तों। आपको ये वीडियो ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर ये वीडियो आप ध्यान से समझ गए तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा और आपको बिजनेस में यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। तो हम ये विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा ये यूनिवर्स है कैसे बना है, किस चीज़ से बना है। तो हमारा यूनिवर्स है, जबकि यूनिवर्स की बात आती है तो 5 तत्व से बना है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर और स्पेस। ये 5 जो मेन एलिमेंट है वो एलिमेंट से हमारा यूनिवर्स बना है, इससे हमारी अर्थ बनी है और उससे हमारा पूरा शरीर बना है। और एस्ट्रोलॉजी भी यही बेस के ऊपर, 5 एलिमेंट अगर एस्ट्रोलॉजी में से निकाल दे तो एस्ट्रोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं। तो ये 5 एलिमेंट से ही एस्ट्रोलॉजी, हमारा मानव शरीर, हमारी पृथ्वी और हमारा यूनिवर्स बना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 5 एलिमेंट को चलाना या यूज़ करना हम सीख गए तो हम यूनिवर्स के साथ, हम अर्थ के साथ आगे से आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको एलिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। देखो ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है तो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। उसके लिए जब हमारे सेमिनार्स होंगे या फिर आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम एक एक एलिमेंट पे पूरा वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पहली बात, हमारे मेन है 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट में मोस्ट ऑफ जो इम्पैक्ट है, जो विजिबल है, वो फायर, अर्थ, एयर और वाटर है। स्पेस है, वो सोच है, वो आकाश है, वो रिजल्ट है। मतलब ये 4 एलिमेंट को मिक्स करेंगे और उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है स्पेस। वो है तो हम पहले 4 एलिमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट आता है वो होता है फायर। फायर की क्वालिटी, फायर वाले लोग होते कैसे हैं? तो फायर बोले तो आग, सत्व, जिसके अंदर फायर की क्वालिटी अच्छी रहेगी, सच बोलने वाला, क्रिएटिव, अग्रेसिव, विल पावर, कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज से डरने वाला नहीं होगा और हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करने वाला। जैसे एक लोहा का टुकड़ा है, उसको मुझे अगर तलवार बनानी है, चाकू बनाना है, तो पहले मैं आग के अंदर उसको पिघलाऊंगा और उसके बाद उसको आकार मिलेगा दोस्तों। और वही आकार से मैं तलवार भी बना सकता हूँ, चाकू भी बना सकता हूँ या एक खिली भी बना सकता हूँ, कुछ भी। मतलब मुझे आग की ज़रूरत, कोई भी चीज़ को अगर मुझे बनाना है तो मुझे फायर की ज़रूरत पड़े। मतलब फायर वाले लोग ज़्यादातर क्रिएटिव पर्सन मिलेंगे, अग्रेसिव मिलेंगे, विल पावर मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, निडर मिलेगा। ये होगी फायर की क्वालिटी। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ बोले तो पृथ्वी तत्व, हिंदी में पृथ्वी तत्व। अर्थ वाले कैसे मिलेंगे? स्टेबल मिलेंगे, स्थिरता, ग्राउंडिंग, जड़ता, उसके अंदर थोड़ी जड़ता मिलेगी। मतलब एक जगह पे वो टिकने, एक जगह पे उनको बिठा दिया तो लॉन्ग टाइम तक वो बैठ सकते हैं। स्थिरता उनके अंदर बहुत ही अच्छी देखी गई है उसके अंदर, लेकिन थोड़े से अर्थ ज़्यादा हो गई, थोड़ी जड़ता, सेल्फिश, आई, मतलब मैं ही हूँ, ऐसे करने वाले लोग ज़्यादातर अर्थ एलिमेंट वाले दिखेंगे। या फिर मैं उसको मटेरियलिस्टिक भी बोल सकता हूँ, ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक या सेल्फिश, अपने लिए काम करने वाले, ऐसे आपको देखे जाएंगे आपको अर्थ। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आता है एयर एलिमेंट।
उसके बाद एयर। देखो एयर का काम क्या है, एयर का काम है एक जगह से दूसरे चीज को, किसी भी चीज को ले जाना, कम्युनिकेशन। कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक अगरबत्ती जला रहा हूँ तो उसकी जो खुशबू है या इसका जो धुआं है उसको पूरा रूम में फैलाने का काम हवा करेगा, हवा करेगा। तो एयर का काम है कम्युनिकेशन, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी। प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट बहुत अच्छा करेगा, उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होगा। एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा होगा, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसको कोई टूटी हुई चीज़ भी दे देगा तो उसकी ये प्रेजेंटेशन ऐसी करेगा कि सामने वाला उसको मतलब देखने के ही लेने की कोशिश कर जाएगा। मतलब उसके अंदर सेल्समैनशिप बहुत ही अच्छी रहेगी, मतलब उसको कुछ भी बेचने के लिए बोलो वो कुछ भी आदमी बेच सकता है, मतलब अच्छा। ऐसे आदमी गुड सेल्समैन, बहुत ही अच्छा सेल्समैन या दुकानदार बोल सकते हो आप, बहुत ही अच्छा सेल्समैनशिप आपके अंदर उसके अंदर देखी जाती है। उसके बाद चौथी जो है वाटर, ये इंपॉर्टेंट है वाटर। वाटर का काम है देखो पानी के अंदर, एक पानी का ग्लास लोगे उसके अंदर आप रेड कलर डालोगे तो ग्लास कैसा हो जाएगा, रेड कलर। पानी का ग्लास के अंदर अगर ग्रीन कलर डालूंगा तो ग्रीन कलर, व्हाइट कलर डालूंगा तो व्हाइट, ब्लैक कलर मतलब ब्लैक कलर। तो वाटर का काम है अडेप्टिविटी, किसी भी चीज को ग्रहण करना। तो वाटर वाले जहां भी वाटर वाले हो जाएंगे वहां उनको नॉलेज बहुत, क्योंकि कोई भी चीज को वो ग्रहण करने वाले, अडेप्टिविटी। कोई भी मतलब उसको कुछ नॉलेज भी देगा तो यस वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अर्थ एलिमेंट वाला लेगा नहीं, जड़ता नहीं नहीं मेरे गुरु जी ने बताया मैं उसी से आपके काम करूंगा, अर्थ वाला आपको ये बोल सके, लेकिन वाटर वाला अडेप्टिविटी, कोई भी चीज़ को ग्रहण करना, कोई भी चीज़ को ग्रहण करना, चाहे वो अच्छी हो, चाहे आप मिट्टी डालो या दूध डालो, वो अपना कलर उसके हिसाब से चेंज कर ले। अडेप्टिविटी, ग्रहणशील आदमी बहुत अच्छा, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही धार्मिक और दिल से काम करने वाला। ऐसे आदमी ज़्यादातर डिसीजन अपने दिल से लेते हैं और ज़्यादा उसके अंदर दयालु भाव ज़्यादा दिखेगा। मतलब कोई भी सामने उसके सामने आ गया तो उसके अंदर तुरंत फीलिंग आ जाएगी, इमोशंस आ जाएगा और उसके साथ काम करने के लिए तैयार या उसके जैसा हो जाएगा वो। वाटर एलिमेंट वाले को फंसाना हो तो थोड़ी सी आप इमोशंस वाली बात करोगे तो तुरंत आपके साथ वो बैठ जाएगा। अर्थ एलिमेंट वाला नहीं बैठेगा, फायर एलिमेंट वाला नहीं बैठेगा, एयर एलिमेंट वाला नहीं बैठेगा, वाटर वाला अडेप्टिविटी तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये था चार एलिमेंट में, थोड़े सा संक्षेप से मैंने उसको आपको समझ में दिया, क्योंकि हमारा बेस यही चलेगा फायर वाले, फायर एलिमेंट क्रिएटिव मैन्युफैक्चरर, विल पावर कॉन्फिडेंस, एयर एलिमेंट वाले सेल्समैन अच्छे दुकानदार, एयर एलिमेंट वाले कम्युनिकेशन स्किल, अर्थ एलिमेंट वाले स्टेबल, कोई भी चीज को संग्रह करना, गोडाउन या कोई भी स्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी, और वाटर वाला इमोशंस, दिल से काम करने वाला। सेम यही कंसेप्ट से हम लोग आगे जाएंगे। अभी ये आपको मेरी चीज बेसिक सी लगेगी आपको किसी को, लेकिन यही बेसिक सी चीज क्या काम करती है वो आपको मैं बता रहा हूँ आगे दोस्तों। तो हम आगे चल रहे एक रिपोर्ट के ऊपर, हमने एक स्कैनर बनाया है ADS777 डिजिटल ओरा स्कैनर। इसके अंदर ये एलिमेंट का ऑप्शन दिया है कि किसी भी कुंडली को आप ये स्कैनर के अंदर डालोगे तो आपको एनालिसिस करके एक PDF रिपोर्ट जनरेट करेगा, और वो PDF में आपको मिलेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपका स्वभाव क्या है और आपको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। प्रोफेशनली देखो, ये लोग मेरे से पहले के ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं तो उसके बिजनेस के हिसाब से रिपोर्ट कैसा निकलता है कुंडली के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तो ये पहला जो रिपोर्ट है वो मुकेश अंबानी का। वो रिपोर्ट पे हम लोग आगे चलते हैं तो देखो यहाँ एलिमेंट दिखा गया है। आप देखो यहाँ उसके पास फायर एलिमेंट, आप देखोगे यहाँ फायर एलिमेंट 60% क्रिएटिव, विल पावर, कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत ही अच्छा मैन्युफैक्चरर बन सकता है, बहुत ही अच्छा मैन्युफैक्चरर बन सकता है। और उसके बाद अभी आप बोलोगे ये 60-20-10-10 टोटल हो गए 100%। तो चेतन भाई ये 100% आप कहाँ से लाए? तो मैंने किया 100 को कहीं भी किसी भी आदमी के अंदर 100% क्वालिटी है, मतलब 100% अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ चार के साथ डिवाइड करके हर एलिमेंट 25% होने चाहिए। तो 25 into 4 मतलब 100%।
तो हर एलिमेंट कितनी नीड है, 25% ये होना चाहिए, 25% यहाँ पे होना चाहिए, 25% वाटर एलिमेंट होना चाहिए और 25% एयर होना चाहिए। यहाँ 25% अगर फायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ फायर बढ़ गया तो क्या हो गया, बहुत ही कॉन्फिडेंस, डेयरिंग करने वाला। और ऐसे लोग ज़्यादातर, फायर एलिमेंट वाले ज़्यादातर लोग मैन्युफैक्चर लाइन में ज़्यादा जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये फायर बढ़ गया, तो फायर ने 25% बढ़ गया तो दूसरी सब क्वालिटी यहाँ डाउन हो गई। यहाँ वाटर भी उसने कम कर दिया, अर्थ एलिमेंट 10% है, तो ये बहुत ही अच्छा मैन्युफैक्चरर बन गया और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ उसकी क्वालिटी आप देखेंगे रिपोर्ट के अंदर क्लियर बताया गया है, यहाँ पे फायर है तो यहाँ देखो आपको फायर की क्वालिटी देखने को मिलेगी पूरी। विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये लोग बहुत ही पेशेंस और सच बोलने वाले, ऐसे लोग ज़्यादातर फायर एलिमेंट होंगे, वो लोग झूठ कभी नहीं बोलेंगे, या फिर अगर वो लोग झूठ भी बोल दे तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इतना कॉन्फिडेंस से, इतना पावर से वो लोग अपनी बात रखेंगे किसी के सामने कि सामने वाला उसको ऐसा ही लगेगा ये सही बोल रहा है। तो फायर की ये क्वालिटी है। दूसरा, फायर और वाटर, देखो यहाँ पे ये फायर है, फायर के पास दूसरी क्वालिटी है वाटर, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। ऐसे लोग हाईली नॉलेजेबल, ऐसे लोग देखो, फायर तो क्रिएटिव है, उसमें जो वाटर आ गया, मैंने क्या बोला, वाटर का मतलब है अडेप्टिविटी, किसी चीज़ को ग्रहण करना, इट्स अ गुड नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। वो तो फायर अच्छा है, मैन्युफैक्चर है, उसके ऊपर से उनको नॉलेज भी मिल गया। अब इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, तो तीन एलिमेंट, कोई भी तीन एलिमेंट मिल जाएंगे। देखो एक एलिमेंट क्या बताएगा, एक एलिमेंट आपका स्ट्रक्चर, दो एलिमेंट अगर मैं मिक्स करूंगा तो वहां बताएगा आपकी क्वालिटी, मतलब आपका सोच कैसी होगी। अगर तीन एलिमेंट क्या बताएगा, आपकी काम करने की क्रिया, आप काम किस हिसाब से कर पाओगे या आप काम कैसे करोगे। तो ये तीन एलिमेंट है, यहाँ दो कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों कॉम्बिनेशन क्यों बनता है, यहाँ पे 10-10% दो था तो यहाँ ये भी कॉम्बिनेशन बनता है, ये भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे लोग आप ज़्यादातर देखेंगे सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अच्छे मार्केटिंग, ये लोग जो है बहुत ही मैन्युफैक्चर लाइन में बहुत ही सक्सेसफुल देखे गए हैं दोस्तों। दूसरा रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, अजीम प्रेम जी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो उसका फायर एलिमेंट 30, लेकिन उससे भी ज़्यादा 40 एलिमेंट, यहाँ कितना होना चाहिए, हर 25-25 होना चाहिए, देखो 25-25 होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ 25 से बढ़ गया, यहाँ 25 से बढ़ गया और यहाँ बैलेंस है और यहाँ 25 से कम हो गया। ज़्यादातर अर्थ एलिमेंट, मैंने पहले वो कहा स्टेबल आदमी, स्थिरता, ग्राउंडिंग, और ये दोनों का ये मैच बहुत, ये लोग ऐसे लोग ज़्यादातर फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे लोग प्रैक्टिकल बहुत देखे गए। 20 अभी ये तीन एलिमेंट को इकट्ठा करूंगा, ये तीन का कॉम्बिनेशन, ये तीन का कॉम्बिनेशन अगर मैं इकट्ठा करूंगा, फायर अर्थ और वाटर, दोस्तों यही है बिजनेसमैन की कुंडली। ऐसे लोग बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं दोस्तों, ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा तो बिजनेसमैन। यहाँ वाटर एलिमेंट 10% है, देखो वाटर एलिमेंट कम है, एकदम नहीं है, 25% होना चाहिए, 10% है तो 25% होना चाहिए, लेकिन 10% है तो फीलिंग इमोशन थोड़े हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये लोग कुछ भी काम करेंगे दिमाग से करेंगे, दिल से नहीं करेंगे। जो लोग बिजनेस में देखा गया है, जो लोग दिल से डिसीजन लेते हैं वो हमेशा बिजनेस में फेल होते हैं, और जो लोग दिमाग से हमेशा जो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। हम आगे देखेंगे उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अर्थ एलिमेंट है तो ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देखी गई है इसके अंदर। और दो एलिमेंट का अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे फायर अर्थ का, तो उसके अंदर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, अच्छे बिजनेसमैन, मैनेजमेंट स्किल बहुत, स्टेबिलिटी है, फायर है क्रिएटिव है तो मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल। और तीन कॉम्बिनेशन अगर मैं करूँगा तो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छे मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियल ऐसे आदमी बन सकते हैं दोस्तों। दूसरा एनालिसिस रिपोर्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, लक्ष्मी मित्तल जी बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैन है। अभी ये देखिए आप उनका रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट, यह सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो उनका अर्थ एलिमेंट है, 25 होना चाहिए लेकिन 40 है। फायर एलिमेंट 25 होना चाहिए और 30 है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है,
प्रैक्टिकल पर्सन पहले ही हो गए। उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन आ रहा है एयर एलिमेंट, ऑलरेडी 20% है, और ये जो वाटर एलिमेंट है वो कम है। तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है, देखो पहला दो कॉम्बिनेशन, पहले कम क्या है, स्टेबल आदमी, बहुत ही स्टेबल आदमी। स्वभाव कैसा होगा, प्रैक्टिकल आदमी। क्या बिजनेस कर सकते हैं ये लोग, तो ऐसे लोग बिजनेसमैन ही बनेंगे देखो यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैन्युफैक्चर भी है, एक अच्छा प्रोडक्शन भी है, और एक अच्छा सेल्समैनशिप भी है। तो ऐसे आदमी ज़्यादातर अच्छे बिजनेसमैन या अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। वाटर एलिमेंट कम है, अगर ये कंडीशन अलग होता है, यहाँ पे अगर 10% होता, चलो एक एग्जांपल, ये अगर 10 होता, ये 10 है और ये 14 होता, तो क्या होता दोस्तों, तो लक्ष्मी मिट्टल क्या होता है, तो उसका कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाता है, इसका ये कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे ऐसा, इसका कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे तो ऐसे लोग क्या होंगे, देखो वाटर एलिमेंट जहाँ फीलिंग आ गया, इमोशंस आ गया, तो अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से जुड़े सॉफ्टवेयर से जुड़े काम, या किसी को कंसल्ट करना, या किसी की सेवा करना, जैसे वाटर एलिमेंट फीलिंग इमोशन, मतलब देश की सेवा के लिए, या किसी की सेवा सर्विस, मतलब सर्विस रिलेटेड में आ रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे गूगल कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, गूगल उसका प्लेटफॉर्म हमको यूज करने के लिए दे रहा है, मतलब एक सर्विस दे रहा है, तो सर्विस में आ गया। गूगल कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है कि आप भाई गूगल 20 रुपये किलो दे दो, 20 रुपये किलो नहीं, वो सर्विस का चार्ज ले रहा है आपके पास, कि आप एक महीना ये यूज कर लो, 200 रुपये आपको चार्ज लगेंगे, ऐसे हजारों करोड़ों लोग यूज करते हैं, तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कोई स्टील वाला होगा तो स्टील बेच रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट बेच रहा है, खिलौना वाला खिलौना बेच रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ऐसे लोग सर्विस बेचेंगे, सर्विस बेच के पैसा कमाएंगे। लेकिन ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चर है, अच्छा ट्रेडर है, अच्छा सेल्समैन में, अच्छा बिजनेसमैन भी है ये दोस्तों। आगे हम जाएंगे यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, तो मैंने आपको बोला स्टेबल ग्राउंडेड, ऐसे आदमी बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड मिलेंगे। फायर अर्थ है तो ऑलरेडी अच्छा मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट स्किल, मतलब ये लोग बहुत ही मैनेजमेंट वाले रहेंगे। तीसरा यहाँ पे फायर अर्थ और तीन, देखो तीन का कॉम्बो बनता है, इसको हमारी भाषा में कॉम्बो बोलते हैं, कॉम्बो है ये जब तीन का कॉम्बो बनता है, तीन का कॉम्बो बनता है, तो वो हो जाता है आपका प्रोफेशन दोस्तों। बस यही इंपॉर्टेंट है, आप अगर ये समझ नहीं पाए तो यहाँ प्रोफेशन चेंज हो गया। यहाँ फायर अर्थ एयर है तो देखो अच्छे बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियल। यहाँ पे अगर ये गलती हो जाती है, यहाँ अगर वाटर आ जाता तो सीधा मैन्युफैक्चर से क्या हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइड करने वाला, सर्विस देने वाला। यहाँ पे एयर है लेकिन यहाँ पे वाटर चला जाता तो मैन्युफैक्चरिंग चला जाता, अर्थ चला जाता तो अच्छा ट्रेडर चला जाता। मतलब कौन से एलिमेंट से आपका कॉम्बो बन रहा है, वो स्किल बना रहा है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, ये आपका टैलेंट बता रहा है। ये जो है आपका, ये जो तीन एलिमेंट क्या बता रहा है, आपका प्रोफेशन बता रहा है, मतलब आपका काम करने का तरीका कैसे होगा। अगर आप अपना काम करने का तरीका समझ गए दोस्तों, तो आप अपने बिजनेस में अच्छी तरह से सक्सेस हो सकते हो दोस्तों। यहाँ आप जब भी रिपोर्ट निकालोगे तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे रेमेडी भी निकलेगी, लेकिन हम रेमेडी में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं रेमेडी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम को हम समझ जाएंगे तो ही उसका सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो रेमेडी कोई भी काम की नहीं, चाहे 1 करोड़ की हो, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। अभी मैं जो रिपोर्ट लेके आता हूँ, अभी जो मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ गौतम अदानी जी का, दोस्तों आज मार्केट में छाए हुए हैं, इसका भी रिपोर्ट हम देखेंगे। ये जो रिपोर्ट दोस्तों निकल रहा है, ये ADS 777 डिजिटल ओरा स्कैनर का रिपोर्ट है दोस्तों। इंडिया में, मैं इंडिया नहीं बोलूँगा, वर्ल्ड में ऐसा ये पहला ये स्कैनर है जिसके अंदर आप अपनी कुंडली डालोगे तो ये रिपोर्ट निकल के आएगा और आपको परफेक्टली बताएगा कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। देखो इसका कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है, उनकी क्वालिटी अर्थ है और सेकंड दोनों 30-30 है। यहाँ पे देखो फायर थोड़ा कम है, 25 होना चाहिए, 20 है, तो कुछ कम भी नहीं है ज्यादा भी, लेकिन मेन क्वालिटी क्या है, ये दोनों बन गई। तो ऐसे आदमी क्या रहेगा, ऐसे आदमी ट्रेडर ही बनेंगे, मैन्युफैक्चर से ज्यादा ट्रेडर की क्वालिटी ज्यादा है इसके अंदर। अगर फायर 40 होता तो मैं बोल सकता हूँ अच्छा इंडस्ट्रियल, लेकिन ये ट्रेडर बहुत अच्छा है। तो आप देखा जाओगे पिछले कई सालों से बहुत सारी फैक्ट्री को
बहुत सारी जो रनिंग फैक्ट्री है या रनिंग इंडस्ट्रियल है उसको वो कवर कर रहा है, अपने पास खरीद रहा है, उसने अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लिया है, इतना बढ़ा लिया है। कोई भी कंपनी बेचने की हो पहले यह कूद पड़ता है, उसको खरीद लेता है सीधा, या उसमें शेयर में हिस्सेदारी कर देता है। आपने सुना होगा ACC में भी उन्होंने 25% हिस्सेदारी ली, मतलब गुड ट्रेडर, ऐसे आदमी बहुत ही अच्छे ट्रेडर बनेंगे, ऐसे आदमी शेयर बाजार के किंग भी माने जाते हैं, ऐसे क्वालिटी होगी तो बराबर। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है, देखो दो कॉम्बिनेशन बनता है, फायर अर्थ और एयर का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ पे अर्थ एयर और वाटर का भी दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है दोस्तों। तो आगे जाएंगे उसके लिए, अर्थ की भी क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी, मतलब वो स्टेबल भी है, ग्राउंडेड भी है, एयर एलिमेंट है, प्रेजेंटेशन भी उसका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी क्वालिटी देखे जाएंगे हम लोग, तो मैंने पहले ही बोला फायर अर्थ एयर, अर्थ वाटर एयर, देखो दोनों है, तो दोनों को अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन ट्रेडर, देखो खास करके मैंने ट्रेडर बताया था, सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन, बहुत ही अच्छे, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। देखो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो आप भी अडानी से कम नहीं बन सकते हैं दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर मिसिंग है दोस्तों, तो आप बिजनेस भी करोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप सक्सेसफुल बिजनेस चलेगा आपका, महीने का 1-2 लाख रुपए कमाओगे, जब आपका बेटा भी आएगा, हाँ मेरे पिताजी भी ये काम करते थे, मैं भी आज ये काम कर रहा हूँ, आप बड़े इंडस्ट्रियल टॉप लेवल पे आप नहीं बन पाएंगे, आपका बिजनेस आगे ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि वो स्किल ही नहीं है आपके पास, वो क्वालिटी ही नहीं है मैन्युफैक्चर की, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है कोई भी चीज़ का इन्वेस्ट करने की, आपके पास प्रेजेंटेशन ही नहीं है एयर एलिमेंट जैसा, आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यही है, अभी मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके आया हूँ रतन टाटा जी का दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है इसीलिए लेके आया हूँ। इनके रिपोर्ट में हम देखेंगे क्या है, तो देखो रतन टाटा के अंदर हम देखेंगे इसके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में सब एलिमेंट कितने होने चाहिए, 25 25 25, सबसे ज़्यादा क्या है फायर एलिमेंट, क्रिएटिव, विल पावर, कॉन्फिडेंस, अच्छे मैन्युफैक्चर, बाकी का 25-25 होना चाहिए, तो देखो इक्वल है सब में 20-20 है, तो उसके पास स्टेबिलिटी भी है, अच्छे सेल्समैन भी है और अच्छा नॉलेज भी है, बैलेंस है, ये तीनों चीज़ में वो बैलेंस है। लेकिन ज़्यादा क्वालिटी कौन सी आई, फायर एलिमेंट, मतलब क्रिएटिव पर्सन है, मैन्युफैक्चर अच्छे इंडस्ट्रियल अच्छे बन सकते हैं दोस्तों। देखो यहाँ क्वालिटी फायर आ गई, अग्रेसिव, स्ट्रेंथ, विल पावर, कॉन्फिडेंस ऐसे आदमी के अंदर देखा गया है दोस्तों। जब हम उनकी तीन क्वालिटी देखेंगे, तीन क्वालिटी को मिक्स कर देखेंगे, तो देखो फायर अर्थ एयर, गुड बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर एंड इंडस्ट्रियल, सर्विस, गुड सर्विस, सर्विस आप देखे जाओगे तो टाटा बहुत सारी चीज़ में सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो सबसे मतलब ये सब फील्ड में आपको टाटा देखेंगे आपको, ऐसी सब चीज़ में आपका टाटा कंपनी आपको कहीं ना कहीं उनका हाथ होगा। लेकिन मेन उनकी जो स्किल है वो है अच्छे बिजनेसमैन, तो अच्छे है ऑलरेडी। राकेश झुनझुनवाला का नाम ऐसा कोई नहीं है इंडिया का आदमी, और ख़ास करके शेयर बाजार का आदमी, जो राकेश झुनझुनवाला नहीं पहचानता। इसका रिपोर्ट क्या बोलता है यहाँ भी देखेंगे, देखो बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। देखो फायर एलिमेंट 25 होना चाहिए, 40 है, विल पावर, कॉन्फिडेंस, डेयरिंग, कभी नहीं डरते, और दूसरी क्वालिटी है सीधा गुड सेल्समैन ट्रेडर, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन अच्छा, ऐसे आदमी और उसके साथ थोड़ा अर्थ मिल जाए तो गुड ट्रेडर और बहुत बड़े बिजनेसमैन। फायर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मेरा कहने का कारण अभी तक मैंने आपसे 4 से 5 रिपोर्ट में एक चीज़ सेम थी, क्या सेम थी, सब में फायर एलिमेंट ज़्यादा था दोस्तों। फायर एलिमेंट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ और मिसिंग है, जब तक ये वीडियो चले तब तक आप मुझे बताना या आप गेस्ट करना कौन सा ये दूसरा एलिमेंट है जो बिजनेस में सक्सेसफुल दिला सकता है दोस्त, आप गेस्ट कीजिए, मैं आपको आगे चलता हूँ। मैं यहाँ पे उसका फायर एलिमेंट ऑलरेडी सक्सेसफुल आदमी यहाँ देखे गए, उसका कॉन्ट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे कि तीन में फायर अर्थ एयर, गुड बिजनेसमैन, गुड ट्रेडर, ऐसे लोग, गुड कंसल्टेंट, स्पीकर, बहुत अच्छे सक्सेसफुल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे
फील्ड में बहुत ही आगे नामना कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो। उसके बाद सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, आप जानते ही होंगे इनको, इनका भी हम लोग लेके आए आपके पास। देखो इनके पास क्वालिटी है, देखो यहाँ पे फायर डाउन हो गया दोस्तों, जानबूझ के मैंने ये कुंडली ली, यहाँ पे फायर डाउन हो गया, लेकिन यहाँ इंक्रीज क्या हो गया, वाटर एलिमेंट, दूसरा अर्थ एलिमेंट 25% होना चाहिए, तो ये बैलेंस है। देखो इनकी क्वालिटी क्या है, तो मैंने बोला वाटर अडेप्टिविटी, किसी चीज को ग्रहण करना, तो इसके जितना नॉलेजेबल आप जानते हो सुंदर पिचाई के बाद, कितना नॉलेज है, बहुत ही नॉलेज है, स्टेबल ही है, तो कंपनी में CEO भी बने, लेकिन ये कैसे लोग है, किसी भी चीज को अडेप्टिविटी ग्रहण करना, इमेजिनर, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे इमेजिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज को डेवलप कर सकते हैं, जैसे गूगल मैप इन्होंने ही बनाया, गूगल क्रोम इन्होंने ही बनाया, गुड नॉलेजेबल, लेकिन यहाँ वाटर आ गया, देखो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट अपन हम ऐसे करेंगे या फिर ऐसे भी करेंगे, तो यहाँ पे वाटर आ गया, मतलब सेवा, यहाँ क्या दे रहे हैं आपको, कुछ बेच नहीं रहे, गूगल आपको बेच नहीं है, गूगल की सेवा, आपको मैप, आपको वो मैप बेच नहीं रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस दे रहा है, जहाँ वाटर मिलेगा, जहाँ वाटर जहाँ मिलेगा वहाँ सेवा सर्विस ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं ऐसे ही कि भाई पॉलिटिशियन IAS ऑफिसर के अंदर भी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो वीडियो भी हम लोग आगे लेके आएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम क्वालिटी देखेंगे वाटर का, तो बहुत ही इमोशनल, विजडम बहुत ही अच्छी, अडेप्टिविटी, फीलिंग, इमोशंस वाले आदमी थे, बराबर। यहाँ पर ये क्वालिटी देखोगे आप, उसकी सब क्वालिटी देखोगे, तो उन्होंने गूगल को, उनके आने के बाद जो गूगल डेवलप हुआ उसके जितना कभी नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद यहाँ क्वालिटी देखेंगे, देखो फायर, एयर, वाटर, आगे बिजनेसमैन में क्या था, एयर था, देखो आगे जितने भी बिजनेसमैन थे उसमें एयर था, लेकिन इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वाटर आ गया दोस्तों, तो क्या आ गया, ऐसे सोशल सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, देखो सर्विस आ गया, जहाँ भी देखोगे यहाँ सर्विस आ गया, मतलब ये आदमी कौन है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला, सर्विस या सेवा करने वाला ऑटोमेटिक। देखो ये एलिमेंट जैसे चेंज हो गया, इसका प्रोफेशन चेंज हो गया, ऐसे आदमी वाटर एलिमेंट जहां भी देखेगा सर्विस सेवा, या फिर आज की दिशा में अगर मैं सेवा ना बोलूं तो जॉब करने वाला, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, तो ऑलरेडी ये जॉब ही कर रहा है, नौकरी, हाँ हालांकि उसकी सैलरी बहुत है दोस्तों। नेक्स्ट हम लेके आए हैं अनिल अंबानी, अनिल अंबानी भी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और मुकेश अंबानी के छोटे भाई है दोस्तों, लेकिन बिजनेस में फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, क्योंकि उनको जो काम करना चाहिए था उन्होंने वो काम नहीं किया, जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम वो करने लगे। जैसे ही मैं आपको इनका क्वालिटी बताऊंगा, तो देखो यहाँ फायर 10 हो गया, लेकिन अर्थ एलिमेंट ज़्यादा हो गया यहाँ पे और वाटर ज़्यादा हो गया, तो पहले तो अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, तो उन्होंने हमेशा अपने बारे में थोड़े सेल्फिश, अपने बारे में ज़्यादा सोचा, मैं सब कुछ कर लूँगा, अपने भाई से भी अलग होके मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं ही यहाँ पे आया, खाली मैं नहीं, मैं ही, अर्थ एलिमेंट सेल्फिश मटेरियलिस्टिक, अपने अपना ज़्यादा सोचने वाला, मतलब वो कस्टमर का नहीं सोच रहा है मेरा क्या होगा, और दूसरा यहाँ पर आ गया वाटर एलिमेंट, फीलिंग इमोशंस ज़्यादा आ गया, मतलब वो बिजनेस लाइन में चला गया, लेकिन उसने जो भी डिसीजन लिए दोस्तों यहाँ से लिए, प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत आ गया, ये प्रॉब्लम कर रहा है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमेशा यहाँ से सोचा जाता है, अगर कोई आदमी यहाँ से डिसीजन लेगा, मुकेश अंबानी ने आज तक जितने भी डिसीजन ले यहाँ से लिए, लेकिन अनिल अंबानी जी ने जितने भी डिसीजन ले यहाँ से लिए दोस्तों, इसीलिए ये बिजनेस में फेल है गया, मतलब यहाँ दूसरा क्या है, देखो फायर यहाँ डाउन हो गया, अगर यहाँ 50% फायर एलिमेंट होता तो कंडीशन और अलग होने के चांसेस होते रहते, अच्छा वापस बिजनेसमैन बन सकता था दोस्तों, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, फायर एलिमेंट 10% है तो उसको विल पावर कॉन्फिडेंस नहीं आया और उसने सरेंडर कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हो गया हूँ, मुझे गहने बेचने पड़ रहे हैं, मतलब उसने सरेंडर कर दिया, कॉन्फिडेंस नहीं रहा दोस्तों उसके अंदर। कहने का मतलब ये कि जब भी वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है किसी बिजनेस के अंदर, फीलिंग इमोशन ज़्यादा होना लगता है,
ऐसे आदमी हमेशा दिल से डिसीजन लेते हैं, और जो आदमी दिल से डिसीजन लेते हैं वो बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं होते, और जो लोग दिमाग से, उसके बड़े भाई ने हमेशा दिमाग का सुना और दिमाग से डिसीजन लिया तो कभी फेल नहीं हुआ। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, जब आप बिजनेस कर रहे हो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर फीलिंग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जब भी बिजनेस की बात आती है तो ज़्यादा दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो कि भाई बिजनेस के अंदर क्या करने से मेरा बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप फीलिंग इमोशंस में आ जाओगे और आपने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जैसे अनिल जी ने किया, तो आप हमेशा बर्बाद ही हो जाओगे। दोस्तों आगे हम चलते हैं, उसके अंदर अर्थ एलिमेंट है तो मटेरियलिस्टिक ज़्यादा रहा, ये स्टेबल है लेकिन मटेरियलिस्टिक लगा। हमने हमेशा उसने अपने बारे में सोचा, कस्टमर का कभी नहीं सोचा। कस्टमर का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि एयर एलिमेंट 0% था। अच्छा, उसके पास मार्केटिंग स्किल नहीं थी। जैसे मुकेश जी आए जियो को लेके, कितना मार्केट कैप्चर कर लिया, वैसे स्किल मार्केटिंग स्किल की कम्युनिकेशन, वो किसी का जुड़ नहीं पाया, कम्युनिकेशन उसका अच्छा ही नहीं रहा। इसके अंदर क्वालिटी फायर अर्थ और वाटर की है, तो ऐसे आदमी को क्या काम करना चाहिए? अगर मेरे पास ये सलाह लेते तो मैं उनको ये बोलता कि आपको किसी भी मैन्युफैक्चर लाइन में या ट्रेडिंग लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि एयर एलिमेंट है ही नहीं, अच्छा सेल्समैन है ही नहीं, ट्रेडिंग कुछ बेच नहीं पाएगा, फायर एलिमेंट कम है तो मैन्युफैक्चर भी नहीं कर पाएगा, तो क्या कर पाएगा, ये क्या कर पाएगा? तो ये सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ये किसी भी चीज़ का सर्विस प्रोवाइड करेगा या सेवा की लाइन में जाएगा तो ऐसे आदमी बहुत ही सक्सेसफुल होने के चांसेस है। दोस्तों ये जो हम लोगों ने आपके सामने रिपोर्ट लिए है, वो रिपोर्ट ADS 777 डिजिटल ओरा स्कैनर में से हमने रिपोर्ट लिया है। दोस्तों कभी कभार हम लोग आदमी लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा मशीन बनाया है, अच्छी पैटर्न से बनाया है, तो मशीन कभी गलती नहीं कर सकता। और मैंने आज तक 6000 से ज़्यादा रिपोर्ट लिए है बिजनेसमैन के, छोटे बच्चों के, उसमें मुझे उनके जो डिसीजन है हमेशा परफेक्टली मिले हैं, ट्रूली मिले हैं। इसीलिए आपको भी अगर ये रिपोर्ट निकालना है, आप भी बिजनेसमैन हो, बिजनेस में फेल हो रहे हो या आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हो दोस्तों, तो पहले ये रिपोर्ट निकलवा लीजिएगा। रिपोर्ट इतना महंगा नहीं है, यहाँ मैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप रिपोर्ट निकलवा लीजिएगा। अगर आपको भी रिपोर्ट निकलना है तो हमारे जो 3D एक्सपर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में है, अगर आपको भी उनकी सर्विस चाहिए या रिपोर्ट निकलवाना है तो हमें कमेंट बॉक्स में या ये जो नंबर है वो नंबर पे कॉल कीजिए, हम उसका नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको रिपोर्ट भी मिलेगा और आपको सही गाइडेंस और परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से कर लो, क्यों, ऐसे ही विषय आपके लिए, आपके साथ देने के लिए मैं आ रहा हूँ 3D एनर्जी सॉल्यूशन पे। जल्दी से कमेंट कीजिए, और आपको कोई विषय पे अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों